नमस्कार, मेरा नाम है मनी। आज हम कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे जो स्टैंडिंग वर्कर के लिए है, जैसे कि कई मेल या फीमेल की जॉब्स होती हैं जो स्टैंडिंग होती हैं, तो ज़्यादा देर तक खड़े रहने से हमारी बॉडी जब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, बॉडी स्टिफ हो जाती है, उसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग और कुछ एक्सरसाइज बताऊँगी जो आप कहीं भी आराम से थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो। चलिए करते हैं हम वो एक्सरसाइज। सबसे पहले अपनी बॉडी को ऐसे प्लैंक पोजिशन में लाकर पीछे की तरफ पुश करना है। इसमें हमारी जो बैक की स्ट्रेचिंग होगी, जो ज़्यादातर खड़े रहने पे हमारी बैक काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, तो ये बैक के लिए। उसी के साथ ये चाइल्ड पोस्चर में आ जाना हमने। ये चीज इसे आप 5 to 10 seconds, 10 to 15 या 20 seconds होल्ड कर सकते हो और 3 to 4 times रिपीट कर सकते हो। इसे स्टैंडिंग में ऐसे आपने अपने जो हैंड्स हैं वो ऊपर की तरफ ओवरहेड ऐसे पुश करने हैं, फिर ऐसे नीचे की तरफ लाने हैं। अब आपने इस तरह बैठ जाना है और अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ पुश करना है। याद है कि ऐसे स्टैंडिंग एकदम इक्वल होना चाहिए, ना ये ऐसे हो ना ये ज़्यादा, सिर्फ इस तरह। टेन टू ट्वेंटी सेकेंड आपने इसे होल्ड करना है। इसी तरह फिर आपने इसे इस तरह साइड पोस्चर में लेकर आना है। इससे आप जैसे लेग वगैरह ज़्यादा देर तक खड़े रहने से आपकी लेग जो स्टिफ हो जाती है, पैरों के पंजे, उसको काफ़ी आराम मिलता है। फिर आपने ऐसे सीधे लेट जाना है और अपनी लेग्स को इस तरह लेके जाना है और जैसे हो सके इसे इस पोजीशन में। पैरों के पंजों को आपस में जोड़कर इस तरह आपने होल्ड रखनी है अपनी बॉडी। इसे आप 20 टू 30 सेकंड इजीली कर सकते हैं और इसको 2 या 3 times आप रिपीट कर सकते हो। इसे हमारे जैसे खड़े रहने से शोल्डर और हमारे जो थाइज हैं उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है और नी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नी पेन भी रिलीफ होती है। इसी तरह सेम दूसरी। अपनी पूरी बाजू को पीछे लेके जाना है और इसको होल्ड रखना है और पंजों को नीचे की तरफ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसे नीचे की तरफ करना है। इसे आप 2 या 3 times रिपीट कर सकते हो। फिर आराम से धीरे से ऐसे फिंगर क्रॉस करके आपने आराम से इस तरह उठना है। अब मैं आपको कुछ खड़े होकर एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी इजीली कर सकते हो। स्टैंडिंग पोजीशन में या आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। या 4 to 5 times रिपीट कर सकते हो, 2 या 3 seconds होल्ड। उसी के साथ मैं आपको दूसरी बताऊंगी जिसमें आपने ये इस तरह बॉडी को होल्ड रखना है।
इसी के साथ आप ये कमर पे हाथ रखकर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करो। बैक की स्टिफनेस के लिए ऐसे ये चीज आपने होल्ड कर लिया। फिर ऊपर को पुश, फिर नीचे, फिर वही डायरेक्शन में दूसरी साइड होल्ड। ये थी हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ स्ट्रेचिंग, जिससे कि आपकी बॉडी की स्टिफनेस को रिलीव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अभी हमने जो स्टैंडिंग एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग की हैं, ये हमारे जैसे कि कई ऑफिस वर्कर की जॉब होती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए या और भी सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स, जिसमें कि ज़्यादातर खड़े रहना पड़ता है या क्लाइंट को हैंडल करना पड़ता है, तो बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। उससे रिलीफ होने के लिए ये कुछ स्टैंडिंग एक्सरसाइज है, जिसे आप कहीं भी किसी भी टाइम कर सकते हो। धन्यवाद।